हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफाई टुगेदर। देखिए, आज के हम इस अपने इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्किन केयर। बेसिक्स ऑफ स्किन केयर मतलब ABC ऑफ स्किन केयर, लेकिन स्किन केयर की लैंग्वेज में इसको CTMS कहते हैं। CTMS क्या मतलब? क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया है पिछले कुछ सालों में। हमें स्किन डैमेज जो सन से होती है उसके बारे में ज़्यादा पता चला है, ज़्यादा नॉलेज हुई है। पहले तो सिर्फ CTM को ही, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग को ही जनरली हम एक अच्छा स्किन केयर, बेसिक स्किन केयर मान लेते थे। लेकिन अब अगर उस बेसिक स्किन केयर को आप फॉलो कर रहे हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग को, लेकिन आप SPF यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ट्रस्ट में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सन हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। तो हमेशा मैं बात अपने से ही स्टार्ट करती हूँ और अपने से ही आज मैं बात फिर से स्टार्ट करूँगी। हम बात कर रहे हैं बेसिक स्किन केयर की, जिसमें ये मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखा रही हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। ये सब अलग अलग ब्रांड के हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। हमें जो सूट करता है हमें वो यूज़ करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये है हमारे पास फेस वॉश, ये हमारे पास है एक टोनर जो गुड वाइब्स का है। फेस वॉश मेरा बायोटिक का है, VLCC का। मैं ये आपको D10 सनस्क्रीन दिखा रही हूँ और साथ में ये तो आपने मेरी पहले वीडियोस में भी देखा होगा कि मेरा बहुत ही फेवरेट ये मॉइस्चराइज़र है। अब आप कहेंगे कि देखिए, बेसिक स्किन केयर तो हमें पता है, इसमें क्या नया है? देखिए, नया कुछ नहीं होता, चीज़ें वही होती हैं। नया होता है हमारा नज़रिया कि हम उस चीज़ को कैसे देखते हैं, कैसे हम उसके बारे में दूसरों से बात करते हैं और कैसे हम दूसरों को बता पाते हैं कि इस चीज़ में क्या बेनिफिट है और क्या नहीं। देखिए, अभी तक बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी इस तरह की कि ये करना चाहिए, ये लगाना चाहिए, ऐसे लगाना चाहिए, लेकिन और ये लगाएंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या कभी हम ये बात करते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो क्या होगा? देखिए, कुछ लोग तो बहुत गिफ्टेड स्किन के साथ पैदा होते हैं, वो कुछ मेंटेन ना भी करें तो भी दे आर ओके, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़्यादातर लोग हम में से ऐसे होते हैं जो अगर मेंटेन नहीं करते हैं एक अच्छा स्किन केयर रूटीन, तो साइन ऑफ एजिंग उनको बहुत जल्दी आने लग जाते हैं। तो हमारा पर्पज़ क्या है बेसिक स्किन केयर का? हमारा पर्पज़ यही है कि हम उन साइंस ऑफ एजिंग को डिले कर सकें, हम अपनी स्किन को यूथफुल रख सकें, और उसके लिए हमें बहुत अर्ली एज में ही इसको स्टार्ट कर देना होता है। जब हम अपने टीन एज में होते हैं, जब हम अपनी अर्ली 20s में होते हैं, तब से हमें ये स्किन केयर जो है फॉलो कर देना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, हम गर्ल्स की लाइफ में, लेडीज़ की लाइफ में एक बहुत बड़ा जो रोलर कोस्टर हॉर्मोन्स का, जिसे हम कह सकते हैं, वो प्रेगनेंसी होता है। जब हम कंसीव करते हैं, जब हम एक बेबी को बर्थ देते हैं, वो टाइम पीरियड ऐसा होता है कि आपके सारे हॉर्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं और आपकी स्किन भी और आपकी पूरी बॉडी और आपका माइंड और आपकी सोल, हर चीज़ उस ट्रांजिशन फेज से गुजरती है। तो अगर आप बहुत अर्ली एज में मम्मी बन गई हैं, 20s में अगर आप बन गई हैं, तो भी आपको साइन ऑफ एजिंग बहुत जल्दी दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आप एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए सो दैट हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि प्रिवेंटिव स्किन केयर जो है वो अच्छी रहती है मेरे ख्याल से करेक्टिव स्किन केयर, क्योंकि एक बार डैमेज हो जाता है उसके बाद तो सिर्फ हम करेक्ट ही कर सकते हैं और उसकी एक लिमिट होती है कि हम क्या करेक्ट कर पाएँ, कितना करेक्ट कर पाएँ। और यहाँ पर तो हमारे पास पूरी लिबर्टी है कि हम अगर अच्छा सा एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे तो हमें फ्यूचर में बहुत ही बेनिफिट रहेगा हमारी स्किन को लेकर। अच्छा जी, तो अब हम बात कर रहे थे क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग की, लेकिन साथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ स्क्रबिंग भी होती है, क्योंकि ये भी हमारे क्लेंजिंग रूटीन का ही पार्ट होता है, तो इसको भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेपरेट वीडियो में हर एक एस्पेक्ट के बारे में, क्लेंजिंग के बारे में अलग से, टोनिंग के बारे में अलग से, SPF के बारे में अलग से और मॉइस्चराइज़र के बारे में अलग से, क्योंकि ये अपने आप में इतने इलैबोरेट टॉपिक्स हैं कि एक ही वीडियो के अंदर इसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर बस इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी स्किन केयर स्टार्ट कर दें। आप जिस भी एज ग्रुप में, आप अपनी लाइफ में जिस भी पॉइंट पे हैं, आप अभी से स्टार्ट कर दें अपना ध्यान देना, ताकि फ्यूचर में आपकी एजिंग को डिले किया जा सके। क्योंकि जब
एजिंग के साइन हमारे फेस पर आना शुरू हो जाते हैं, तब तो बस हम रिपेयर ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम प्रिवेंटिव स्किन केयर यूज़ करें तो हम उन साइंस को डिले कर सकते हैं, उनको आने से रोक सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो किया है जिसमें सिर्फ ये बेसिक स्किन केयर है, जैसे कि क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड यूज़ ऑफ SPF, तो आप मेरी बात पर ट्रस्ट कीजिए कि जो साइंस ऑफ एजिंग आपको 30 प्लस की एज में आने वाले थे वो आपको 40 प्लस की एज तक डिले हो सकते हैं। इतना इफ़ेक्टिव ये बेसिक स्किन केयर रूटीन रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हमारी स्किन क्लीन है, अगर हमारे पोर्स क्लीन है और हमने उन मॉइस्चराइज भी अच्छे से कर लिया है और साथ में हमने सन डैमेज से भी अपने आप को बचा लिया है, तो फिर बच ही क्या गया। उस एज में हमारी इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। जाए अब क्योंकि ये बहुत ही एलैबोरेट टॉपिक्स हैं तो हम इनको सेपरेटली लेंगे और हम बिल्कुल बेसिक और अफोर्डेबल स्किन केयर की बात करेंगे। हम उन सब के बारे में बात करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि हम यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ें जो कि हर कोई यूज़ कर सकता है। अब आप ये ना सोचें कि मैं कभी लग्जरी ब्रांड्स की बात नहीं करती। देखिए, मैं जो खुद चीज़ यूज़ करती हूँ मैं बस उसी की बात करती हूँ। ऐसे तो आपको मार्केट में बहुत महंगी महंगी चीज़ें, बहुत महंगे महंगे मॉइस्चराइज़र और बहुत महंगे महंगे आपको फेस वॉशेस भी मिल जाते हैं, लेकिन जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, जो मेरे लिए वर्क करता है, उसी के बारे में मैं बात करती हूँ। और क्योंकि मैं आपको हर बार ये बात कहती हूँ अपने वीडियो में कि मेरे चैनल का मोटो ही ये है कि हम सिंसियर बात करें, हम किसी को मिसगाइड ना करें और हम वो बात करें जो कि सबको फ़ायदा पहुँचाए, एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को फ़ायदा पहुँचाए। आज भी हमारे देश में बहुत सारे लड़के लड़कियाँ यंग एज के बिल्कुल केयरलेस हैं इस बात को लेकर। बहुत लोग अपनी एंटरटेन में बिज़ी हैं, स्टडीज़ में बिज़ी हैं। बेशक आप किसी चीज़ में बिज़ी रहें, आप कुछ करें, अच्छा करियर बनाएं, वो सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये तो छोटी सी चीज़ है जो कि हम साइड बाय साइड यूज़ कर सकते हैं। क्लेंजिंग के लिए एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 नहाते टाइम नहाने वाला सोप यूज़ ना करें, क्योंकि पहले तो यही होता था, हम सब यही करते थे और उसके रिजल्ट्स बाद में हमें देखने को मिल ही जाते हैं, उससे कोई भी बच नहीं सकता है। तो सोप आप प्लीज़ बिल्कुल भी अपने फेस पर यूज़ ना करें। आपको मैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके बताऊँगी जिससे कि आप, अगर गांव में भी रहते हैं, आप कहीं सुदूर गांव में रहते हैं जहां पर आपको इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पर भी आप अपने स्किन केयर कैसे कर सकते हैं। जहां पर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं घरों में कि लड़कियां नहीं मांग सकती हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स घर वालों से, ऐसे भी हमारे कंट्री के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके लिए बहुत मुश्किल है, जिनके लिए यही चीज़ें बहुत बड़ी लग्जरी हैं, तो हम उनके लिए भी बात करेंगे। हम आज सबके लिए बात करेंगे, एक बेसिक स्किन केयर की हम बात करेंगे। प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जो कि क्लेंजिंग से रिलेटेड होगा और उसमें हम बात करेंगे उस अफोर्डेबल स्किन केयर की और उस सिंपल स्किन केयर की जो बर्डनसम नहीं है, जो हर कोई फॉलो कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। अच्छा जी, बहुत बातें हो गई हैं, हमने ढेर सारी बातें करी स्किन केयर को लेकर और मैंने आपसे बात करी कि हमें दूसरों से अलग बनाता है हमारा नज़रिया। और इसी बात के साथ प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं फ्यूचर में ऐसे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।